रोजे में टूथपेस्ट करना। रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है, जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे, हंजला जमीर चकवाल से। देखें, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से साबित है, रोजे में आप मिसवाक किया करते थे। टूथपेस्ट में मसला ये है, बजाते खुद टूथपेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन उलमा मना इसलिए करते हैं, उसको मकरूह इसलिए करार देते हैं कि उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि हलक में चला जाए, क्योंकि वो एक टेस्ट वाली चीज़ है, झाग बनता है। तो इसलिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े में गरारा करने से मना किया, गरारे करने से। हालांकि जब हम गरारे करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि पानी हलक में चला जाए, अक्सर नहीं जाता, बल्कि आप एहतियात के साथ अगर गरारा करेंगे तो पानी नहीं जाता हलक में, लेकिन फिर भी मना किया। क्यों? टूटने का ख़तरा होता है, पानी के हलक में जाने का ख़तरा होता है। तो इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि भई आप रोज़े में टूथपेस्ट ना करें, क्योंकि उसका झाग होता है बहुत ज़्यादा, उसमें एक जो है वो क्वांटिटी भी उसकी ऐसी होती है कि वो उसको रोकना बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी छींटें हलक के अंदर चली जाती हैं, इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़े को बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए ये फतवा दिया जाता है कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है रोज़े की हालत में, और ज़रूरत भी नहीं है। मिसवाक करें, इस बहाने से मिसवाक की सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगी। तो अब सहरी करने के बाद आप एक दफ़ा ब्रश कर लें और रात को सोने से पहले कर लें तो सारा दिन ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर दरमियान में मिसवाक करते रहें तो मिसवाक के बड़े फ़ायदे हैं। और मिसवाक में चूँकि सुन्नत है, इसलिए अगर गलती से मिसवाक का रेशा हलक में चला भी जाए तो रोज़ा भी नहीं टूटता उससे, ये भी जहन में रखें। जान कर ना खाएं उसकी डंडी, अगर गलती से चली गई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा।